हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली, आप देख रहे हैं हल्द्वानी ख्वाजा फर्नीचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाथरूम का दरवाजे। अगर हम बाथरूम का दरवाज़ा बनवा रहे हैं, लकड़ी का बनवाएं या पीवीसी का या सी पीवीसी का या एल्युमिनियम का, कौन सा दरवाज़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा? दोस्तों, मैं दरवाजे की बात कर लेता हूँ सी पीवीसी वाले के। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी पीवीसी, ये एक आता है पीवीसी, एक आता खाली पीवीसी, एक आता सी पीवीसी। दोस्तों, अभी जो आप डोर देख रहे हैं वो सी पीवीसी है। ये जो डोर है आपको महंगा पड़ेगा और पीवीसी वाला आपको सस्ता पड़ेगा। और दोस्तों, पीवीसी में और सी पीवीसी में क्या फ़र्क है आगे हम दिखाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नई दोस्तों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, अभी जो डोर देख रहे हैं ये बाथरूम का डोर है और ये सी पीवीसी का। एक आता है पीवीसी, एक ही है सी पीवीसी। जो सी पी वी सी का डोर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता, और जो पी वी सी का डोर होता है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये पी वी सी है, ये एक घोंसा मारो एकदम घोंसा भी एक बार में पार हो जाता, ये धूप से भी ख़राब हो जाता और ये पानी से लगातार रहेगा तो पानी से भी ख़राब हो जाता। ठीक है, ये होता है प्लास्टिक का, लेकिन ये सारे में ख़राब होता है। यहाँ पर टॉयलेट वगैरह साफ दिखा दे रही है, ठीक है, बीच में सुराख हो जाता, पूरा खाली होता। और जो सी पी वी सी होता वो अंदर से खाली नहीं होता, ये खाली होता है, और सी पी वी सी कभी खाली होता है। ये पी वी सी है दोस्तों, पी वी सी कभी ना लगाएं। ये 6.5x2.5 फिट के में जो है 3500 से लेके 4500 के बीच में आपको मिल जाता। इसके बाद जो पी वी सी है ये आपको 3.5 से 4 के बीच में मिल जाएगा। जो सी पी वी सी है आपको ये महंगा मिलेगा, पी वी सी सस्ती पड़ेगी, यह जो है सी पी वी सी आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं और बाकी चौखट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके चौखट लगी है बाथरूम में तो आप जो है डोर लगा लें, और आपको अगर चौखट नहीं लगी है तो इसकी चौखट भी आती है। दोस्तों, इसकी थिकनेस की बात कर लेते हैं, इसकी थिकनेस 35 mm आती है। ठीक है, इसकी जो फिनिशिंग आती है और दोनों साइड से आती है, और बाकी फिनिशिंग बड़ी शानदार इसके अंदर है। और बाकी इसके अंदर जो मटेरियल लगा रखा है वो आगे हम दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ये सी पी वी सी आपको एक दरवाज़ा कितना बैठेगा। दोस्तों, ऐसा मानो ये दरवाज़ा आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आगे तक स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कभी ख़राब भी नहीं होगा। आपको जो है इसके पहले फिनिशिंग दिखा दूँ। ये फिनिशिंग देख सकते हैं, ये टू सेट फिनिशिंग है। जैसे आप सामने से देख रहे हैं ऐसी पीछे से भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी शानदार फिनिशिंग है ये। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी फिनिशिंग है, और ये दरवाज़ा आपको 350 से लेके 400 के बीच में मिल जाएगा। 350 स्क्वायर फिट से लेके 400 रुपये स्क्वायर फिट। ठीक है, और बाकी दरवाजे की क्वालिटी देख सकते हैं। और जो पीवीसी आती है वो बिल्कुल बेकार होती है, खाली होती है, इशारे में ख़राब हो जाती है। दोस्तों, इसके अंदर जो मटेरियल लगा रखा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या मटेरियल लगा रखा है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये दरवाज़ा हो गया, और दरवाजे के अंदर जो है पौनचे का पेप फंसा हुआ, बीच में पौनची है, पौनचे का पेप है, उसके अंदर जो है स्क्रू खींच जाते हैं तो कभी भी आपका दरवाज़ा लटकेगा नहीं, नहीं कभी स्क्रू फेल होंगे। ठीक है, और चौखट भी आपको दिखा देता हूँ ये दोस्तों। और इस सेट से देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर की सेट जो है गुटका 4 इंची का है, जो फ्रेम दे रखी है वो 3 इंची की फ्रेम दे रखी है। ठीक है, आपको मैं नाप को दिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ऐसे हवा में बोल दे रहा हूँ। चौखट देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग है, और बीच में 1 इंच का पेप पड़ा हुआ। जो पी वी सी का आता है वो खाली एक चौखट होती है, खाली हल्की हल्की चौखट होती है, इसके अंदर बीच में 1 इंच का पेप दे रखा दोस्तों। दरवाजे के अंदर पौंच का दे रखा है लोहे का पेप, और चौखट के अंदर 1 इंच का पेप। फिनिशिंग देख सकते हैं काफ़ी शानदार फिनिशिंग है। आपको जो पीवीसी का डोर है वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन यू पीवीसी का जो डोर है आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर का जो गुटका होता है वो पूरा 4 इंच का दे रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 इंची तक टेपर है, 4 इंची का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 4 इंची है, देख सकते हैं पूरा 4 इंची। अपन सूत कम 4 में है तो 4 में आता वो। और इसके बाद दोस्तों, मैं आपको जो इसकी फ्रेम है ये भी नाप का दिखा दूँ, क्योंकि 3 इंची फ्रेम पूरी भर हुई ठोस है बिल्कुल, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। कितने पानी आए, कितनी बरसात आए, कुछ नहीं होगा। मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई बात बताता हूँ तो अच्छी बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये दरवाज़ा आपको जो है थोड़ा महंगा बैठा, लेकिन आप में हमेशा के लिए निबट जाओगे काफ़ी दिन के लिए। और बाकी इसकी चौखट जो है दोस्तों,
ये रेलिंग फुट में आती है, रेलिंग फुट 140 से लेके 170 के बीच में मिल जाएगी। चौखट में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है, और बाकी ये डोर इस से बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने सैंपल भी दिखा दिया, लेकिन हाँ जो खाली चौखट होती है वो उससे तो अच्छा ये लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने।